पराठे तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सूजी के पराठे खाए क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही बहुत ही यूनिक पराठा, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होता है सूजी के पराठे। वीडियो पसंद आएगा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सूजी के सॉफ्ट पराठे। सूजी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले डो लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक पैन गरम किया है मैंने, पैन में डाल देंगे 2 कप पानी। आज मैं 1 कप सूजी का पराठा बनाने जा रही हूँ, तो जितना सूजी आप ले रहे हैं उसका डबल लेंगे पानी। पानी में डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डाल देंगे तेल, 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन, 1 बारीक चॉप किया हुआ हरा मिर्च और इसमें 1 उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 कप सूजी। तो डायरेक्टली सूजी ऐड नहीं कर देंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no. अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप 1 बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता या फिर आप ग्रेट की वजह गाजर, इसे हेल्दी बनाने के लिए बीन्स, ये सब भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। जैसे ये डो के फॉर्म में आ जाएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये डो के फॉर्म में आ गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी भी पैन हमारा गर्म है, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसे हल्का ठंडा हो जाने देंगे, इतना ठंडा हो जाने देंगे इससे कि जब हम इसे एक बार मिक्स करें तो ये हमारे हाथों को बर्दाश्त कर पाएगा, इतना हमें इसे ठंडा करना है। अभी ये जो डो है इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था, ये हल्का ठंडा हो गया है। तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा, इसे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सूजी का पराठा के लिए डो हमारा रेडी हो गया है। हाथों पे थोड़ा सा घी या तेल लेंगे और एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। डो को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है, एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और इसके छोटे से बॉल ले लेंगे, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो। और इसे बेल देंगे, सारे पराठा बेलेंगे और सेकते जाएंगे। बहुत ही यूनिक पराठा बनके तैयार होता है। तो ये देखिए इतना पतला मैंने बेला है, आइए चलिए अब इसे सेकते हैं। Sleeping in on Sundays, I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone, some of us need work, others need fun, some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's set it done. तो अभी पराठे के ऊपर एक साइड से हल्का घी लगा देंगे, आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पराठे को सेकेंगे। तो ये एक पराठा हमारा तैयार हो गया है। सिमिलरली बाकी सारे पराठा सेक लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा बनके तैयार है।
तो ये देखिए सूजी का पराठा मैंने बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही यूनिक पराठा बनके तैयार होता है और आप इसे दही या फिर केचप या फिर सिंपली अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिना सब्जी का भी ये पराठा बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए तरीके से एक बार ये सॉफ्ट सूजी के पराठे जरूर बनाएं। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट बनके तैयार होता, आप सभी को जरूर पसंद आएगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।